किसानों की डिमांड पूरी नहीं करी, बेशर्म प्रधानमंत्री। मोदी तो मुर्दाबाद है, जो पिंडरा वाला है उन्होंने आतंकवादी घोषित किया हुआ है, उसने फिर भी क्यों सपोर्ट करते हैं पंजाब के लोग? देश का राजा जो सा नंगा हो गया। ओके, देश में तानाशाही चल रही है, तानाशाही पूरी चल रही है, फुल तो फुल सारी चाल ही तानाशाही रही है। शंभू बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के मेरे इस वीडियो के साथ भारत के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों में से एक के केंद्र में मेरे साथ कदम रखे हैं। किसानों के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प का गवाह बने, क्योंकि वे न्याय और उचित व्यवहार की मांग करते हुए अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच सवाल और चिंताएं पैदा हो गई हैं, जिनमें आंदोलन के खालिस्तान से संबंध को लेकर गलत फहमियां भी शामिल हैं। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि मैं शंभू बॉर्डर विरोध प्रदर्शन और इस ऐतिहासिक पल को परिभाषित करने वाली कहानी के बारे में किसानों से बात करूंगा। देश में तानाशाही चल रही है, हिंदी में बोलोगे पंजाबी में? अगर आप हिंदी में बोलोगे तो पूरा भारत देखेगा। तानाशाही तो इतनी चल रही, इतना चल रही है कि तानाशाही के बाबत कुछ बोल ही नहीं सकते। फुल तो फुल सारी चाल ही तानाशाही रही है। और कैसे, ये क्या है तानाशाही नहीं है, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन देखो, जब भी हमारे पेट में भूख ही नहीं है जी, जो भी हम खाना खाते ही नहीं चाहते जी, कौन बोलता है इसको पे ऐसे कानून लाओ? कौन बोलता है इसको? जनता के चुने हुए लोग हैं जी, जो जनता बोली वो इन लोगों को करना चाहिए। तानाशाही कर रहा कौन है, है? तानाशाही कर मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार, एक तो मोदी सरकार कर रही है, एक जो एक भ्रष्ट लीडर है जिनको ये दुनियादारी नहीं देखती जी, आप तो नीचे नहीं देखते जी, पैसे के लालच में जी, ना इनको कोई शर्म ना हया ना इनका कोई धर्म। कोई गुटका फक के सौ खा लेता है, कोई दरबार में मुंह करके सौ खा लेता है, इनने तो धर्म ही बेच दिया। इनकी तो कोई मात ना बाप समझते ए लोग है, इनको क्या बोलेंगे? इन तो कोई शर्म रखी नहीं है। तो जो अब इलेक्शन आने वाले है, हाँ आने वाले है ना, हाँ, कौन सी तारीख को इलेक्शन है? देखो हमारे पास क्या है, ये झंडा है, डंडा है। हाँ जी, ये झंडा किसका है? किसानों का, किसानी संघर्ष, किसानों का झंडा है, डंडा है, किसान का झंडा है जी। हम तो अपनी भूखे को भूख लगती है ना, बिल्कुल, हम तो बता रहे हैं कि हमको ये जरूर ये चीज की जरूरत है, हमको ये दो, ये हमको वो नहीं देते। हमका क्या चीज, क्या दो? जो हमारे, जो हमारी मांगे हैं। आप अपनी कितनी मांगे हैं कुल मिलाकर? हमारी तकरीबन उधर लिखी हुई है 12 मांगे। 12 मांगे, आप बता सकते हो कौन कौन से? नहीं, ऐसा जबान में नहीं याद नहीं है, सब लिखी है। एक दो याद हो, तीन याद हो? देखो हमारे एक तो खेती कानून की बात है जी, कोई भी चीज मैं तेरे को ये बता देता हूँ। देखो हम लोग किसान है, हम लोग खेती करके पहले उसको बीजते हैं, फिर स्प्रे करते हैं, पानी डालते हैं, फिर उसको तोड़ के फिर मंडी में लेके आते हैं जी। मंडी में जब लेके आते हैं तो खर्चा करते हैं, पेट्रोल फूकते हैं, दिहाड़ी बनते हैं। इधर से आदमी एक लेता है 10 रुपए में जी, बीजता है 25 रुपए में जी। कोई भी चीज का दो जो एक मोल पड़ जाएगा ना जी, एक दूध होता है ना जी, जब ही उसको जाग लाती है ना, दूध कितना था क्वांटला का हिसाब होता है, तो जाग कितनी होती है जी, थोड़ी 100 ग्राम 50 ग्राम बिल्कुल कम होता तो 1000 सारा दूध फूट जाता है। ये जो जाग लगी है ना, ये मोदी का पासा पलटेगी लाजम पलटेगी। वैसे भी 10 साल हो गए, बहुत है इतना, किसी भी एक सरकार के लिए इतना बहुत है। तू अभी दूसरे को मौका दे, नहीं नहीं है ना, तू किसी और को आना चाहिए। मैं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ। देखो महाराजा रणजीत सिंह का राज था जी, कुत्ते के गल बोलते हैं,
सोना बन के चला जाता था तो कोई अधेड़ता नहीं था। आज देखो शरेआम धक्के, शरेआम बलात्कार, शरेआम चर्च, शरेआम आदमी मार के घूम रहे हैं। कौन सा कानून है सरकार का? बिल्कुल कानून है ना, ये किसी ने अपनी भूखे ने मांग रख दी कि मेरे को भूख लगी, उसको डांडियां मारो, उसको पकड़ के जेल में डाल दो, एक कानून है जी। ये जनता के चुने हुए लोग हैं। बिल्कुल लोग इसका विरोध करेंगे? हम तो घर में बोल के आए हुए हैं, ये सरकारों को बता देते हैं कि हमको ऐसे जो भूखा मारेगा तो हम तो ऐसे ही इसके पास मलगार में खटिया खड़ी करके आए हैं, हम तो ऐसा मरने मार जाएंगे लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, अपना हिसाब किताब लेंगे, गोलियां मार दे जी, हमारे पास क्या है जी। सो इसको पाई पाई का हिसाब लेंगे, कोई बात नहीं। पहले भी हमको बहुत मारते हैं सिखों को, बिल्कुल बहुत आए हैं, लेकिन जो हमारा गुरु है ना, जो हमारा गुरु गोविंद सिंह है, इतिहास पढ़ लें जी, 2747 जी उसने अपने घर के ही शहीद कराए जी, चार बच्चे नीयों में चिने हुए हैं। बिल्कुल इसकी जितनी नी ऊपर है उतनी नीचे है, इसको मार जो मर्जी बोले हो, अपना इस साइड का है ना वो, मेरा नाम मेरे को भूल गया, आ जाएगा यार, उसने बोला था ना इसको पंगा ना ले, ये पंगा ना ले, बड़े बड़े आए हैं और भी आते रहे, मलिक मलिक कर गए, मलिक मलिक पूरा नाम मेरे को भी याद, अच्छी बातें बोलिया ने। अगर ये भी बात है, आने वाला टाइम वो गुरु नानक लाएगा, ऐसा लाएगा जेड़ा कोई अच्छा आदमी होएगा, धर्म वाला आएगा, ये जनता ही चुन के उनको लाएगी, तो जनता वोट पे इनके इतने इसके जितने भी है डाकू लोग भेजते हैं ना कि हम इसको जिताएंगे, इनके डाकू लोग कचरे में जाएंगे, ये गरीब जनता किसी दिन ऊपर आएगी, ये आएगी। बिल्कुल, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी मिली। ओके थैंक यू, राइट, ये माइक ले लो। हाँ ले लो, ठीक। तो ये शंभू बॉर्डर है, गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ, गर्मी में कुछ लोग चाय पी रहे हैं, शहीद भगत सिंह। जो लोग इतने बैठे हैं ये कोई पागल तो है नहीं, अपने हक मांगने के लिए बैठे हैं तो फिर भी गोले गिराए जा रहे हैं इनके ऊपर। देश में तानाशाही चल रही है क्या? बिल्कुल चल रही है जी। कौन कर रहा है? भाजपा सरकार। तानाशाही कैसे? ताना धक्का ही कर दो, रोडा से बिठाया, साडा जाना दिल्ली जाना साडा घर है, सानू रोडा से बिठाया, तानाशाही हो है और की है। और कुछ? और कुछ बस ठीक है, बैठे हैं ताश खेलते हैं, और की करिए। उसका इलाज क्या है? उसका इलाज तो उन्होंने वोटा चौड़ा हारिया जाए। बीजेपी सरकार तो वैसे भी नहीं, बीजेपी तो वैसे भी पंजाब में है नहीं, पंजाब में नहीं है सरकार, सेंटर तो सरकार तो इन्हों की हो है। तो क्या लगता है जीतेगी इस बार? बिल्कुल नहीं जीतू। इलेक्शन कब है? इलेक्शन हो चार तारीख तो शुरू ना इलेक्शन, तो किसकी चांस है जीतने के? कोई नहीं, साढ़े वालों वोट नहीं पानी। क्यों? आम आदमी को भी नहीं, किसी नहीं पानी, कांग्रेस को है जी? तो सरकार के बिना देश कैसे चलेगा? तो सरकार बिना सरकार कोई मसले का हल नहीं होना, जो जो मसले का हल करूंगा तो उसी वोट पावांगे। मोदी के लिए कुछ बोलो। मोदी का क्या था ऊपर? मोदी को वोट नहीं असीं पावांगे, मोदी को नहीं पावांगे, बिल्कुल नहीं पावांगे। 13 महीने पहले सानू दिल्ली बैठ रहे हैं असीं जी, 2 महीने कल सानू फेर होके बैठे हैं जी, असीं इन्हां नूं वोट नहीं पावांगे। ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਖੋਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਨੀ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਐਮਸੀ ਆਈ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੀ ਦਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖੀ ਨਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਜੋਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਿੰਦੀ ਮੇ ਬੋਲੋਗੇ ਆਪ? ਹਿੰਦੀ ਮੇ ਬੋਲ ਦੇਗੇ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਫਸਾਇਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਫਸਾਇਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਫਸਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, 2-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਤ ਨੀ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਜੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ, ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੁਛ ਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। नकली प्रधानमंत्री है, बीबी ना बच्चा, छड़ा मलंग है। मैं बड़ी खबरें पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता। अच्छा, बाकी नॉलेज रखता हूँ। तो आपकी नजरों में कौन बनना चाहिए बता? राहुल गांधी, सोनिया गांधी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि इन्होंने देश चलाया, सस्ता जमाना था। शंभू बॉर्डर पर
किसानों का प्रदर्शन भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी मांगों को सुनना और समझना आवश्यक है। ये वीडियो आपको उनके मुद्दों के बारे में सोचने और बातचीत करने के लिए प्रेरित करेगा। क्या बात है, वेरी नाइस। ये ट्री हाउस तो बहुत अच्छा है अंकल। किसने बनाया ट्री हाउस? बनाया किसने? अपने आप बनाया? किसानों ने मिलकर ट्री हाउस बनाया। बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा ट्री हाउस है। अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं क्या है। वीडियो कोई बोलना चाहेगा, बात करेगा, कोई गल करूंगा? ट्री हाउस के नीचे एक अंकल बैठे हैं, इनसे बात की। राजस्थानी हो गए आप? राजस्थानी हो आप? ये टोपी से पहचाना मैंने आपको। पगड़ी, पगड़ी। राजस्थानी हो आप? हाँ जी, मुझे पता है आपकी पग है ये। मैंने भी, मैं जयपुर गया था तो मैंने भी पहनी थी। तो मैं ये कह रहा था, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष चंद्र सोमरा है। सुभाष चंद्र सोमरा। पिछले शताब्दी के महामानव, महानायक, महान स्वतंत्र सेनानी शहीद आजम सरदार भगत दादा भगत सिंह की सेना का सिपाही हूँ। अच्छा। हमारा उद्देश्य है शहीद आजम के सपनों का विश्व निर्माण। उसी काम के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, वो आपसे मुलाकात होगी आज। राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान में सीकर जिले से। सीकर जिले से। तो यहाँ पंजाब में कैसे? अगस्त 2022 में किसान विश्व क्रांति का आगाज जंतर मंतर नई दिल्ली से करा था। उसी प्रयास के लिए हम पूरे देश में घूमते रहते हैं। जब तक तीनों कार्यक्रम वापस नहीं है, ना मैं घर जाऊंगा, ना कपड़े बुलूंगा, ना ही स्नान करूंगा। तो यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे, यहाँ पे आप सोते कहाँ पे हैं? यहीं पे सो रहे हैं फिलहाल। ट्री हाउस में? ट्री हाउस, ट्री हाउस बड़ा खूबसूरत बना है। ट्री हाउस क्या है, गांव से लकड़ियां लाके ये कुड़ी गांव वाले लोगों ने बनाया है। करीब लकड़ियों का छोड़ के उसके अलावा 25,000 का खर्चा इसमें। बहुत ही खूबसूरत घर। किस टाइप से गांव वालों ने बनाया, पूरा मिलके दो ट्राली लकड़ियां आई हैं गांव की, ठीक है ना जी। और पूरा देखिए आप नीचे के हिसाब से इसको हाइट देखो, फिट करा गया इसको। ये बहुत सुंदर बना है। बाहर मिट्टी भी, इसके अंदर अंदर सोते हैं आपके? इसके अंदर। अच्छा, बाहर मिट्टी है ताकि ठंडक रहे अंदर रहे, तो इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। आप पेड़ों की ठंडक। पंखे लगे अंदर? पंखे लगा रखे, दो पंखे लगा रखे। तो गर्मी लगती है इसमें? नहीं, गर्मी नहीं लगती। तो आप बाहर क्यों बैठे? बाहर तो ऐसे ही बाहर बैठ जाते हैं थोड़ी देर, जैसे आप जैसे लोग आए और इनसे बातचीत करने के लिए बाहर बैठ जी। मेरा नाम जसविंदर सिंह। यहाँ पे कैसे? धरने में आए। धरने में आए? कहाँ से आए हो? खरड़ से। खरड़ से? इतनी दूर से कैसे आए हो? ट्रॉली से। ट्रॉली से? ट्रॉली। काफी सारे बंदे आए होंगे? काफी सारे आए। कितने? 10-12 आ जाते, 10-12 चले जाते। अच्छा, किसको डालोगे वोट इस बार फिर? सरकार तेने देख लिया, पहला कांग्रेस सी, अकाली दल सी, हुण कहिंदे सी इन्हां नूं टाइम दे के देखो, सही देख ले, इन्हां ने कुछ नहीं करिया। बाकी हुण असीं तां देखने की नहीं पावांगे। चलो ठीक है। साबका सैनिक पंजाब, सैनिक थे क्या? हाँ जी, आर्मी चो रिटायर। हाँ जी, आर्मी रिटायर हो आप जी? यहाँ शंभू बॉर्डर पे क्यों? लंगर है जी लगा हुआ। लंगर लगा हुआ तो लंगर किसानों को छका रहे हैं जी। अच्छा जी, ये ताना सही हो रही है जो रोड के ऊपर बैठा रखे जी। नहीं नहीं, और भी मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे बहुत है जी। हाँ जी, पूरा देश खड़ा है। एक वो लद्दाख में वो बैठा है वांगचुंग, वो भी अनशन पे बैठा था अभी। हाँ जी, पूरे देश भर में जी। इसका इलाज बताओ क्या है? इलाज तो देखो भी करेंगे इलाज कोई ना कोई तो जी। जैसे ऐसे भी बैठे हैं यहाँ पर तभी, जैसे बेकार इनको गाँव में, किसी को बीजेपी को या आप कोई कांग्रेस का हो, सभी को भगा रहे हैं। गांव में बढ़ने दे रहे, अभी इलेक्शन है, लोगों को चुनाव। कांग्रेस को भी नहीं बढ़ने दे रहे ना, और आम आदमी? आम आदमी को नहीं, और बीजेपी तो बिल्कुल नहीं। वो तो बिल्कुल ही खत्म है। फिर वोट डालोगे किसको आप? वोट डालेगी किसको देखना जी, कोई ना कोई तो ऑप्शन, कोई आजाद मीर बर्बदी आएगा, कोई और निकलेगा। वोट तो पाएंगे, वोट पाएंगे, वोट नहीं अपनी रोकते। कोई आदमी जगेगा, कोई आदमी के लिए। हाँ, कोई आदमी, कोई तो जागेगा, कोई ना कोई जागेगा, करेगा कोई। आप लोगों में से क्यों नहीं जागता? आप लोगों में हमारी यूथ जागेगा कोई ना कोई, हमारा लीडर। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ। थोड़ा क्या नाम है जी? साधा सिंह है जी। साधा सिंह? साधा सिंह। हाँ जी। किधर तो? अमृतसर। अमृतसर? हाँ। तो बंचड़ी। तो कितने दिन हो गए इधर आए? इतने आया जी, शुरू तो पिछली 13 तारीख तो। घर छड़े उ? हाँ, घर से छड़े। बिल्कुल नहीं गए? बिल्कुल नहीं गए। इतने ही हो? इतने। सवेर तो शाम तक कितना निकलता? सवेर तो शाम तक इस तरह निकल जाता जी, वेख लो लम्बे पै लीने प्रसादा पानी लंगर चो छक के। अच्छा, लम्बे पै लीने तो टाइम कट जाता वधिया दिन, इतना ही वेख लो इतना ही। ते इत्थे बैठन दा कारण? ए बैठन दा कारण ए आ जी, ए जिस तरह सरकार दे नाल, सेंटर सरकार दे नाल किसानां दा मोर्चा लगा वा। हां जी, ए मोर्चा सेंटर सरकार जिहड़ी आ कारपोरेट घराणियां नूं, ठीक है, साडा जो भी जिमीदार आ सारा देणा चाहुंदी आ। ते मतलब मोदी सरकार ठीक नहीं है? बिल्कुल मारा, बिल्कुल मार। कांग्रेस? कांग्रेस
इलाज के फिर कौन किन वोट पाओगे फिर ऑप्शन क्या है समझदार सुखबीर बादल मिली भगत है अंदर दे के सारे सहन करके जी सारा प्लान बना के सारा लक्ष्मण रेखा है पैरा नहीं दिंदा किसान आंदोलन है ना किसान आंदोलन न्यूज भी चाह रहे की खालिस्तानी इकट्ठे हो गए खालिस्तान का एक मोहरा बनाता इधर पिंडर वाले दी फोटो भी लगी हुई है दीप सिंह वाले दी फोटो जायज है जी जायज है हां बिल्कुल जायज है देखो देश दी जो गवर्नमेंट है आज दी नहीं हां पुरानी गवर्नमेंट ने भी पिंडर वाले ने आतंकवाद दी कोशिश किया हुआ है देखो 80 या 80 दे विच असी भी संत जनरल सो दे कोल हां पिंडर वाले 1980 दे सन 1980 च हां असी भी कोल हां दरबार साहिब हां जी लंगर हाल देते स्पीच हुई सी ते उथे अखबारां वाले आए सी ठीक है ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜੇ ਖਾਲਸਾਨ ਮੰਗਦੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਗਾਰੀਓਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 12 ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ 12 ਉਹ 12 ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਹੋ ਜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਦੀ ਨਾ ਨਾ ਧਰਨੇ ਦੀ ਧਰਨੇ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਨਾ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ MFC ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ MFC ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ खर्चा ज्यादा रेट घट किन्नी लागत आंदी किन्ना रेट आंदा लागत खर्चा हिसाब लो सा जे अहीं कणक दे बीजदे आ ते 15,000 आ जांदा अच्छा जी 15,000 ਆ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦਾ ਵਟਿਆ 20,000 ਤੇ ਸਾਨੂੰ 5,000 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 5,000 ਬਚਦਾ ਹੈ 5,000 ਬਚਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਇਤਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕੀ ਬਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ 2 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ ਆਲੂ ਹਾਂਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਲੂ ਅੱਜ 15 16 20 ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਗਿਆ ਤੇ ਖਰੀਦ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਰੇਡੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 1 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1 ਕਿਲੋ ਆਲੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦ 3 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆਂਦੇ ਮਾਰਕੀਟ 10 ਰੁਪਏ ਹੋਣੇ 10 12 ਹੋਣੇ ਤੇ ਇਹ 20 ਦਾ ਵੇਚਣਦੇ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੂੰ 1 ਆਲੂ ਦੀ ਹਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਲੇਟ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ 100 ਦੀ ਉਹ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੇਟ फिर ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬੜਾ ਠਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਲੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਚਿਪਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਚਿਪਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾ ਲੈਣ ਇੱਕ ਕੱਦੂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ 150 ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕੱਦੂ
ਕੱਦੂ ਦੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਬਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਨੇ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਕਿਹੜਾ ਲਊ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ 25-26 ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਕੱਲ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾ ਖੋਲਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਡਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਣਕ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਠੋਕ ਦੇਣਾ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਟਰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਕੋਈ 7-8 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਖੋਲਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਮਹਿਲ ਬਣੇ ਆ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਪਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ ਜਦ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਰੋਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਘਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆ ਨਾ ਅਮੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚੱਲੂਗੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੱਕ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾ ਇਹ ਲੋਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਧਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਪੈਸਾ ਨੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਲਊਗਾ ਜੋ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਥੋੜਾ ਮੰਗਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨੀ ਜਾਣਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਗਾੜੀ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਾਤੇ ਆਰਮੀ ਲਾਤੀ ਖੱਟਣ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਖੱਟਣ ਨੇ ਲਾਈ ਖੱਟਣ ਲੱਗੀ ਬਣਾਤਾ वीडियो को समाप्त करते समय हम सभी एक नजर के साथ उस पल की तरफ देखें जब हमने किसानों के साथ मिलकर उनके मुद्दों को समझने की कोशिश की आइए हम सभी मिलकर एक सामाजिक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाएं धन्यवाद।